आने की कोशिश कर रहा है एंड यहाँ पर कैरी के ऊपर प्रेम कोल ब्लड का बहुत ही प्यारा स्प्रे, कोल ब्लड के स्प्रे से कैरी यहाँ पर नॉक एंड किल कंफर्म यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा था कोल ब्लड, अभी ब्लीड आउट हो जाएगा। ऑरेंज रॉक से संधू है एंड मॉन्टेल नॉकआउट हो चुका है एक नेट से, कोल ब्लड यहाँ पर संधु के ऊपर रैंडम स्प्रे मार रहा था, तो बहुत ही प्यारा जोन बना है अभी, बहुत ही ज्यादा बंदे अभी डाउन होने वाला है थक भाई। सबसे बड़ी बात बंदे डाउन हो रहे हैं पर फिर भी 8 टीम अभी भी 17 लोग में बचे हैं, सिर्फ गेमिंग हब की स्क्वाड है जो जिसके चारों बंदे अलाइव है, तो गेमिंग हब क्या पर यहाँ पे पेन कोल्ड ब्लड का स्प्रे आते हुए एमएसएक्स का द डूड थोड़ा सा डैमेज दे रहा है, पेन कोल्ड ब्लड टीपी 28 छोड़ना ही नहीं चाहता किसी को, 16 अभी भी अलाइव है, 8 टीम 14 लोग एंड काफी लोग यहाँ पे डूब के भी मर रहे हैं। यस सही डिसीजन है मेरे ख्याल से, डूब के मर रहे हैं फिर भी किल नहीं दे रहे हैं। इधर सोल का स्क्वाड आई थिंक एलिमिनेट हो चुका है 8 पोजीशन पे, 9 पोजीशन पे ऑरेंज रॉक का स्क्वाड एलिमिनेट हुआ था, तो पोजीशन पॉइंट सोल एंड ऑरेंज रॉक को मिल जाएगा। वेलोसिटी गॉजिरा आल्सो गॉट क्लियर आउट, तो इधर जीएस से सिर्फ इमर्ज बचे हैं। गेमिंग हब पाकिस्तान का टीम है, बहुत ही प्यारा टॉप 6 में अपने टीम को लेके आ चुका है, जोन के बहुत नजदीक है लेकिन इसको जोन के अंदर जाना पड़ेगा। ये यहां से राइजर का किल ट्रैक कंफर्म कर लेगा, शायद नहीं कंफर्म कर पाया, राइजर कवर में जाने की कोशिश, सामने से ईएक्स का टीम का स्प्रे आते हुए मैक्सिमम से ओमेगा वहां पर ओपन में लेता है, उसके ऊपर कैप चला करें पर मर्ज उसको नॉक कर देगा सर नहीं चाह रहा होगा वहां पे टीम आरजी रेकनिंग गेम भी अभी तक अलाइव है, बहुत बड़ी बात है। ईएक्स का पूपू मैन भी अलाइव है, तो 6 टीम 10 लोग जोन 7वां जोन हो चुके हैं एंड इस जोन के बाद हमें एक रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस जोन के बाद जो भी बंदा जोन के बाद 3-4 सेकंड भी रह जाता है वो 100% 100 एचपी से 0 एचपी आके डेथ हो जाएगा। पर यहां पे रेड ने अपने टीम के लिए 0 डिग्री के लिए काफी प्यारा होल्ड किया, टॉप 6 में अपने टीम को ले आ चुका है, टॉप 10 पोजीशन था वहां से 6 पे लेके आ चुका है एंड जितना देखा था लाइक 3-4 किल भी है, तो अच्छे खासे किल्स पॉइंट्स भी मिल जाएंगे एंड मेगा इधर से डूड बचे मैक्सिमस से, वो अपने टीम को इधर कैरी कर रहा है, राइजर को वहां पर क्लियर आउट करते हैं, तो टॉप 4 स्क्वाड एंड जीएच का बंदा वहां पर प्ले जोन में क्लियर आउट होगा जैसे आपने बोला, तो यहां पर टॉप 4 स्क्वाड में आ चुका था भाई। यस यहाँ पे टॉप 4 पे आ चुके हैं 7 बंदे 4 स्क्वाड, पेन 3 मैन है, 3v2v1v1 का सिचुएशन है, काफी स्मोक हमें देखने को मिल रहा है, जोन काफी अजीब था पर यहाँ मुझे पेन ईस्पोर्ट्स अगर गलतियां ना करे तो उनका इजी चिकन डिनर आते हुए दिख रहा है एंड ये पेन वाइपर टीवाई का एक प्यारा नेड आते हुए आई थिंक वो एक बंदा नॉक कर सकता है, अगर नॉक नहीं भी तो डैमेज काफी अच्छा करेगा यहाँ पे ये ओपन में जाते हुए एंड पर अभी ये तक स्पॉट नहीं हुआ, रिस्क नहीं लेना चाह रहा, वॉल को क्रॉस करना नहीं चाह रहा कि वॉल क्रॉस करती ये सारे एनिमी से एक्सपोज हो जाएगा, पर अच्छा पोजीशन होल्ड कर रहा है एंड यहां पे एंड यार ये वाला जो नेड आया और एक आया ये काफी उसके करीब था, हमें देखना होगा एंड जेड की बंद जेड रेड यूट्यूब फिनिश ऑफ होते हुए स्पार्की भाई यस वो डाउन हो चुका है, तो यार हम लोग 3 स्क्वाड पे बचे हैं, 3v2v1 सिचुएशन है, पेन के पास चांस है लेकिन पेन को जोन के अंदर जाना पड़ेगा, जोन इन लोगों का 5 मीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, जोन के अंदर पहुंच पाएंगे लेकिन देखो क्या डैमेज दे रहा है जोन, 7 नंबर जोन है एंड डैमेज जितना दे रहा है लाइक 8 एंड फाइनल जोन की तरह डैमेज देते हुए थक भाई। एंड यहाँ पे डैमेज से किसी ने वो नहीं हुआ क्योंकि सारे के सारे टीम्स अभी तक जोन के अंदर आ चुके थे, पर अब हमारे पास मेन यहाँ पे 6 किल ले चुके हैं। आपने एक चीज नोटिस किया इस गेम में स्पार्की भाई, कोई भी टीम कल के जितना किल्स नहीं ले पाई, कल हम देख रहे थे जो भी टीम चिकन डिनर के साथ आ रहे थे उन लोग के पास काफी किल्स थे, पर यहाँ पे पेन का वाइपर यूट्यूब वाइपर टीवाई शॉट्स ले रहे हैं, शायद उसको एक्स के पूपू मैन ने स्पॉट कर लिया है एंड यहाँ पे अगर एक्स की टीम यहाँ पे उनको पिन कर दिया क्योंकि अब एक तरह से उन लोग फंस गए, उन लोग स्पॉट हो गए, यहाँ पे नेट जाएंगे तो उन लोग सबको वॉल के पीछे एक्स के मिस्टर योजू और पूपू इन लोग नेट करके उनको फंसा सकते हैं। हाथ पे देखोगे तो M249 है थक भाई, तो मजा आएगा M249 देखने में, आप बोलो अभी क्या लगता है M249 का स्प्रे देखने को मिलेगा? आई थिंक M249 अगर तीनों चारों बंदे इसके एक लाइन ऑफ फायर में आ जाए, कोल्ड ब्लड नॉक होते वियोज उसे एंड यहां पे पेन अब 2v2v1 का सिचुएशन हो गया, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ईएक्स की टीम एडवांटेज में 6 किल ऑलरेडी उठा चुके हैं 2v2v1 का सिचुएशन, पर यहां पे ईएक्स का योजू थोड़ा पीछे जा रहा है, जोन के अंदर जाना चाह रहा है बिकॉज जोन चेंज हो गया एंड पर अब पेन की टीम फंस गया, इनफैक्ट चारों के जो बाकी 4 लोग हैं चारों के चारों फंस चुके हैं, सभी को ओपन से इनके पास आना होगा, तो अब मुझे लगता है ये गेम ईएक्स की ओर जा सकती है अनलेस पेन नेट्स करके किसी को नॉक कर पाए। डूड को यहाँ पर पता है कि वो जोन के अंदर जाएगा तो मर सकता है, तो यहाँ पर शायद पेन के एक बंदे को वो नॉक करके पूरा क्लियर आउट भी कर सकता है, तो ये होल्ड कर रहा है, देखते हैं क्या करता है थक भाई, ऊपर उठेगा पेन से वाइपर वोटी ऑलरेडी नॉकआउट हो चुका है जोन में एंड 2 ही फर्स्टेड है इधर डूड के पास एंड इधर कोल्ड ब्लड के ऊपर स्प्रे आता है 50 HP आ चुका है, पूपू मैन का बहुत ही प्यारा नॉकआउट हो चुका है, अभी पेन के लिए चांस है थक भाई। यहाँ पे योजू का बहुत ही प्यारा एक ही स्प्रे में 2 बंदों को खा गया, यहाँ पे पहला चिकन डिनर आते हुए
टीम ईएक्स के लिए एंड उनके लिए 8 किल्स, फिर पेन की टीम सेकंड विद 6 किल एंड थर्ड में आई है एमएसएक्स की टीम विद 3 एलिमेंट्रिक्स का बहुत ही प्यारा बेहतरीन प्रदर्शन हमें देखने को मिला है। यस, बहुत ही प्यारा सेकंड ले गया जो आपको बोल रहे थे कि लाइक M249 पावर वो उसने दिखा दिया। M249 को बहुत बंदे बोलते हैं लाइक द गॉड गन, वो यहाँ पर देखने को मिला क्योंकि रीलोड करने की जरूरत नहीं है। लास्ट मोमेंट पे रीलोड के टाइम पे बहुत बंदे मैंने देखा है अभी जितना कास्ट किया कि रात